ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। दिनांक 30/8/2019 से दिनांक 6/9/2019 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेष राशि से। इस सप्ताह स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा, खान पान में अति से बचें, सप्ताहांत में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की द्वितीय राशि अर्थात मकर राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, निवेश के अवसर प्राप्त होंगे, वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है, किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की तृतीय राशि अर्थात मिथुन राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनी रहेंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा परंतु व्यय की अधिकता रहेगी, परिजन से भेंट होगी, किसी लंबित कार्य के पूर्ण होने की संभावना है। राशि चक्र की चतुर्थ राशि अर्थात कर्क राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य शिथिल रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा परंतु व्यय की अधिकता रहेगी, संतान के संबंध में किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा, किसी कार्य के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य शिथिल रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी परंतु व्यय की अधिकता रहेगी, यश सम्मान और कीर्ति में वृद्धि होगी, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, देवदर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य में शिथिलता रहेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, इस सप्ताह यश सम्मान और कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य में शिथिलता रहेगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, व्यर्थ के बाद विवाद से बचें, परिवार में सामंजस्य बनाकर चलें और वाणी पर नियंत्रण रखें। राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, बेरोजगार व्यक्तियों को खुशखबरी मिल सकती है, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की नवीं राशि अर्थात धनुराशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में चला आ रहा गतिरोध समाप्त होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में निकटता आएगी, सप्ताहांत में कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो आपके हित में न हो। राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, निवेश के अवसर प्राप्त होंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी और कार्यस्थल पर सजगता की आवश्यकता है। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि अर्थात कुंभ राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, व्यय की अधिकता बनी रहेगी, व्यर्थ की उलझने व तनाव मिल सकता है, पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की बारहवीं राशि अर्थात मीन राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य शिथिल रहेगा, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, व्यर्थ की उलझने व तनाव रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सप्ताहांत में कोई लंबित कार्य के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी और देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। मित्रों, यह था हमारा साप्ताहिक राशिफल जो कि दिनांक 30/8/2019 से दिनांक 6/9/2019 तक प्रभावी रहेगा। हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।